Hello students, welcome to Shivdi Job Classes. I am Akanksha Trivedi and today we are going to start the new topic of the chapter Biological Classification of class 11th. Okay, and the topic is structure of Eubacteria. In the previous video we have already started the kingdom Monera. So now in this video we will discuss the structure of Eubacteria, which is a prokaryote, okay, which is a common example of the Monera kingdom. Okay, so this is the structure of a common Eubacteria or common bacterial cell. So first of all, यहाँ पर जो हमें outer covering दिखाई दे रही है, outer covering में हमारे यहाँ पर किसी bacterial cell में outer covering में तीन जो component जो होते हैं वो main होते हैं. कौन कौन से? First is capsule or we can say it is slime layer. Okay. और ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? ग्लाइकोगैलिक्स के. सो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ग्लाइकोगैलिक्स होती है, वो स्लाइम लेयर भी हो सकती है एंड कैप्सूल भी हो सकती है. अगर आउटर लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, मतलब जो ग्लाइकोगैलिक्स है, अगर वो लूज और थिन है, इफ इट इज लूज और थिन लेयर, तो ये क्या होगी? स्लाइम लेयर होगी. और अगर ये थिक और टफ लेयर है तो ये कैप्सूल होगा. ओके, तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों ही आपके क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं. ठीक है, द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दीज इज स्लाइम लेयर इज ओनली मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड बोथ. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ग्लाइकोकैलिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम WBC. ठीक है, सेल, बैक्टीरियल सेल को WBC से प्रोटेक्ट करता है एंड टू फॉर्म कॉलोनी. बैक्टीरियल सेल क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से अटैच होकर के कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं. तो वो अटैचमेंट जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से ही हो पाता है. ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, WBC से प्रोटेक्ट करना एंड उसको कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करना. ओके, सो ये फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होती है. इट कैन बी स्लाइम लेयर और इट कैन बी अ कैप्स्यूल. ओके, अगर कैप्स्यूल है आपकी किसी बैक्टीरियल सेल पर तो उसको, उस बैक्टीरियल सेल को बोलते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. ओके, सो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मोस्ट ऑफ द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक. ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिन पे कैप्सूल प्रेजेंट है, मोस्टली वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपके? पैथोजेनिक होते हैं. ओके, जो नेक्स्ट लेयर है वो है सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है. अब मैंने पिछली वाली वीडियो में पहले बताया था कि दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ओके, सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होती है उसके, वो सिर्फ सिंगल लेयर सेल वॉल होती है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ओके, इन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज सिंगल लेयर with less lipid content. Okay, gram positive bacteria में single layered आपके cell wall होगी और उसमें lipid जो है बहुत ही कम होता है. ठीक है, but in gram negative double layered cell wall is present with more lipid content. Okay? जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है और साथ ही वो डबल लेयर होती है. ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव सिंगल लेयर होती है, उसमें लिपिड कंटेंट भी बहुत ही कम होता है. ठीक है, सेल विदाउट सेल वॉल इज नॉन एज प्रोटोप्लास्ट. सभी ने पढ़ा है ये चीज को कि जो सेल होती है उसको सेल वॉल अगर रिमूव कर देंगे, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो कि इस सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है. ठीक है,
तो अगर ये सेल वॉल हट जाएगी तो सिर्फ आपका ये वाला कंटेंट रह जाएगा, जो आपका अंदर का साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन वाला कंटेंट इतना रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल, जो ग्राम पॉजिटिव होती है, ग्राम पॉजिटिव सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ओके, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल आर नोन एज स्फीरोप्लास्ट। ओके, अगर आप ग्राम नेगेटिव को ही प्रोटोप्लास्ट कहोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्राम नेगेटिव के अगर सेल वॉल नहीं होगी तो उसको स्फीरोप्लास्ट कहते हैं, और अगर ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल नहीं होगी तो उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, मतलब प्रोटोप्लास्ट आपका क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, या फिर इसके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया गया है बाय द एंजाइम लाइसोजाइम। ठीक है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब हम लाइसोजाइम से उसके सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगे तो जो बचेगा नेट कंटेंट जो हमारा, वो स्फीरोप्लास्ट कहलाएगा। ओके, तो सेल वॉल क्या है आपका, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई लेयर है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने बता दिया। देन नेक्स्ट जो आपकी लेयर है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपकी सिमिलरली जिस तरीके से आपकी एनिमल सेल की या फिर यूकैरियोटिक सेल की होती है, कैसी होती है, लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है, सिमिलरली ये भी आपकी ऐसी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट वैसा ही होता है जैसा आपका यूकैरियोटिक सेल का होता है। ओके, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो ये पूरा का पूरा तीनों मिलकर के आप क्या बना रहे हैं, सेल एनवेलप बना रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों ही लेयर जो है मिलकर के सेल एनवेलप बना रही हैं, जिसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इस पूरी बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन जो है इन तीनों का मिलाकर के होता है। नाउ आफ्टर दीज थ्री लेयर्स कम टू द साइटोप्लाज्म विच इज अ विस्कस और सेमी सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। ओके, इन विच नो एनी सेल मेम्ब्रेन बाउंड, सॉरी नो एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ जैसे कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है आपका मेजोसोम। मेजोसोम्स क्या है आपके, ये है सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस। ठीक है, आपके सेल मेम्ब्रेन की क्या करती है, एक्सटेंड हो जाती है, मतलब क्या करती है, इन्वेजिनेट करती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है वो या तो आपकी वेसाइकल की फॉर्म में होगा, या लैमेली की फॉर्म में होगा, या फिर ट्यूबुल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो मेजोसोम कहलाते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बनते हैं। ओके, सो ये मेजोसोम जो है वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो पेरिफेरल मेजोसोम और दूसरा सेंट्रल मेजोसोम। पेरिफेरल मेजोसोम जो होगा वो आपका सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा और पेरिफेरी पर प्रेजेंट होगा, और जो सेंट्रल मेजोसोम है वो आपका न्यूक्लियोइड से जो है वो अटैच होगा और वो डीप साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, जहां पर आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है उसी से अटैच रहेगा। ठीक है, पेरिफेरल मेजोसोम जो है उसका काम होता है सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करना, मतलब जो आपके मेजोसोम होते हैं उनके पास पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, और ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से रेस्पिरेटरी रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, ये एटीपी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं, जो पेरिफेरल मेजोसोम होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है सेल रेस्पिरेशन करना, एंड जो सेंट्रल मेजोसोम होते हैं जो कि आपके न्यूक्लियोइड से अटैच होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सेल डिवीजन में हेल्प करना। ओके, देन जो नेक्स्ट ऑर्गेनली है वो आपके हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स जो है वो आपके इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में होते हैं, और ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जो कि क्या किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं, आरएनए को स्टोर करके रखते हैं, क्यों, ताकि ये क्या कर सके, जरूरत पड़ने पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सोर्स का काम कर सके। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पता ही है डीएनए की फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो उसके लिए एज अ सोर्स जो है ये ग्रैन्यूल्स जो है वो काम करते हैं। देन इन दोनों के बाद राइबोसोम्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ यू बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल या फिर नेक्स्ट जो
स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में वो आपका होता है न्यूक्लियोइड, जिसके कई सारे नाम हो सकते हैं। इसको जीनोफोर भी कह सकते हैं, इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, और इसको फिब्रिलर न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कई सारे इसके नाम होते हैं क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही चीज़ें एब्सेंट होती हैं। इसीलिए ऐसे ही जो आपका कॉम्बिनेटेड मटेरियल है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ही पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। ओके, कोई भी मेम्ब्रेन वगैरह इसके ऊपर नहीं होती है, इसलिए इसको ये सारे नाम दिए गए हैं। देन इसके पास ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंड, डबल जो आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, पेयर भी प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आपके किसके बने होते हैं, सर्कुलर जो आपका डीएनए है उससे, और साथ में उसके साथ प्रेजेंट होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के आपका क्रोमोसोम्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपका सर्कुलर डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिला करके आपके एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल क्रोमोसोम भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, देन आपका जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो आपका जेनेटिक डीएनए है, उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल ही बोलते हैं, उसका नाम है प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड जो है आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये खुद रेप्लिकेट भी कर सकता है। इसको रेप्लिकेशन के लिए जो आपका मेन जेनेटिक डीएनए है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो उसके पास खुद का ओरिजिनल रेप्लिकेशन होता है जिससे वो खुद इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर सकता है। ओके, लेकिन ये प्लाज्मिड जो है सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर बैक्टीरिया को दो में डिवाइड किया गया है। एक आपके कहलाते हैं F+ बैक्टीरिया, और एक होते हैं F नेगेटिव बैक्टीरिया। F जो है यहाँ पर इट इज फॉर फर्टिलिटी फैक्टर, जो कि क्या है आपका प्लाज्मिड। ठीक है, वो हम जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इसका तब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो F प्लस सेल्स जिनके पास आपका प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उनको F प्लस सेल्स कहा जाता है, और ये डोनर और एज अ मेल का काम करते हैं ये बैक्टीरियल सेल, और जिनके पास नहीं होता है वो आपके रेसिपिएंट और फीमेल का काम करती हैं। ठीक है, थीके? तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है टोटल किसी भी डीएनए किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना ही इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोइड जो है वो आपका मैंने पहले बताया सेंट्रल मीजोसोम से अटैच रहता है। ठीक है, जो कि आपका मीजोसोम है वो इसके किसमें हेल्प करेगा, रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। नाउ स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया इसका, अब इसकी स्टेनिंग जो है वो कैसे की जाती है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं ग्राम स्टेन, एक्चुअल में वो स्टेन है क्या, वो प्रोसीजर क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले ये HC ग्राम ने ही आपके दो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, मतलब दो बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ द दिस स्टेन, सो इसलिए इसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है, जो भी हमने बैक्टीरिया लिए हैं उन सारे बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं क्रिस्टल वॉलेट से, ये आपकी एक डाई है। ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट से करेंगे, देन उसके बाद उसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से भी उसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसीजर है क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन करना, देन आफ्टर दैट पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। ठीक है, देन इतना करने के बाद क्या करते हैं, उसको बैक्टीरियल सेल को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं एसीटोन या फिर इथाइल अल्कोहल की हेल्प से। आफ्टर वॉशिंग हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया तो आपके पर्पल करके या फिर वॉयलेट करके दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब उनके पास स्टेन अभी भी बाकी, उन्होंने रिटेन करके रखा हुआ है, तो उनको बोला ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस स्टेन को अपने पास रिटेन करके रखा। लेकिन वॉशिंग के बाद कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, डीकलराइज जाते हैं, मतलब वो इस स्टेन को कम्प्लीटली वॉश आउट कर देते हैं, तो वो ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसको वापस से काउंटर स्टेन किया था सेफरिन से विजुलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसीजर है, जिसमें मेन जो रोल है आपका वो क्रिस्टल आयोडाइड, जब क्रिस्टल वॉलेट है और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का इनका मेन रोल है, और ये वॉश आउट करने के बाद कुछ रिटेन कर जाते हैं, कुछ लेकिन कुछ डीकलराइज जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन रीज़न है डीकलराइज होने का, वो यही इसकी जो सेल वॉल है उसमें छुपा हुआ है, जो मैंने बताया था अभी, सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो है वो आपकी सिंगल लेयर्ड होती है, उसके अंदर लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में आपकी डबल लेयर्ड होती है, उसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उस लिपिड कंटेंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये डीकलराइज जाती है। ठीक है, तो आपका जो मेन रीज़न है यहाँ पर वो लिपिड है, लिपिड ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इस एसीटोन या फिर इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन से बहुत जल्दी क्या होती है, रिमूव हो जाती है, सो इस वजह से वो डीकलराइज जाती है।
और लेकिन ग्राम पॉजिटिव के पास लिपिड कंटेंट कम होता है, इस वजह से वो क्या होता है आपका जो स्टेन है उसको रिटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोसीजर है स्टेनिंग का, बैक्टीरिया को स्टेन करने का। सबसे पहले क्या था, ग्राम ने, एचसी ग्राम ने, इसलिए इसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। जो आपकी स्टेन है वो क्या है, इसको हम ग्राम स्टेन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ की है। और एक्चुअल में स्टेन क्या होती है आपकी, क्रिस्टल वायलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ओके,